हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 12.5 हमारे Redmi Note 7 Pro के लिए। तो यहाँ पर MIUI 12.5 का अपडेट आ चुका है हमारे Note 7 Pro के लिए, बट यहाँ पर ये कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि अभी सिर्फ चाइना में रिलीज़ किया गया है 12.5। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, और जो ये वर्ज़न है MIUI 12.5 का वो है EU वर्ज़न। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, EU वर्ज़न है ये, और यहाँ पर देख सकते हैं 12.5 20.1.2.28 वीकली बिल्ड है। अभी ये बीटा में है, अभी स्टेबल बिल्ड नहीं है, तो कुछ बग्स वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं। सो गाइस, चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं, इसका आपको चेंजेस दिखा देते हैं, क्या क्या चेंजेस मिल जाता है। और देख सकते हैं लोगो यहाँ पर चेंज हो गया हमारे MIUI 12 का। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ MIUI 12 और 12.5 का, तो देख सकते हैं लोगो में कुछ डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो सो गाइस, लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला चेंज हमारा वो है यहाँ पर देख सकते हैं साउंड का पैनल को लेकर। तो साउंड का पैनल जो हमारा वो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका साउंड पैनल मिल जाता है। पहले कुछ और तरीके का आपको साउंड पैनल मिलता था, और जो पावर ऑफ बटन है, पावर ऑफ का जो पैनल है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज हो गया 12.5 में। तो ये यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं। और अब हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में देख सकते हैं पर्सनलाइजेशन एंड वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एक माइनर सा नहीं है, दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज। तो देख सकते हैं किस तरह से होम स्क्रीन दिखा रहा है, आपका लॉक स्क्रीन दिखा रहा है। यहाँ पर आइकन्स आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ या फिर आइकन पैक वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट या फिर फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये जनरली अपने वन प्लस के फ़ोन्स में देखा हुआ, तो वहाँ पर ये कुछ मिल जाता है आपको। वॉलपेपर्स में जाएंगे तो देख सकते हैं कुछ नए आपको सुपर वॉलपेपर्स वगैरह मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये सुपर वॉलपेपर्स हैं। मोर में जाऊंगा तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आपको नए सुपर वॉलपेपर्स अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि नया है। स्नो पीक्स, फेयर अवे रिंग्स तो पहले मिल जाता है, होम एंड रेड प्लैनेट, ज्योमेट्री भी अभी कुछ दिन पहले ऐड हुआ है, तो ये यहाँ पर कुछ आपको मिल जाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तरह के नए नए वॉलपेपर्स जो हैं ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर ये कुछ आपको नए वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। और देख सकते हैं गाइस, पर्सनलाइजेशन में यहीं पर आप रिंगटोन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहीं से आप नोटिफिकेशन पैनल का साउंड, नोटिफिकेशन का साउंड, अलार्म का साउंड, वो सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा मेजर चेंज था इस अपडेट में गाइस। यहाँ पर मैंने आपको सुपर वॉलपेपर्स के बारे में बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल सेंटर, जो कि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ नोटिफिकेशन पैनल, वो भी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर मिल जाते हैं। यहाँ पर अब हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन शेड, कंट्रोल सेंटर का आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका कंट्रोल सेंटर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें अब जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपको चाहिए। स्मार्ट होम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोलैप्स आफ्टर टच, जैसे आप टच करेंगे वो कंट्रोल सेंटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो लाइक मैं यहाँ पर टच करता हूँ, देखा आपने कंट्रोल सेंटर ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो यहाँ पर ये भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अब हम चलते हैं गाइज यहाँ पर डार्क मोड में। तो डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे देख सकते हैं डार्क मोड यहाँ पर कम्प्लीटली न्यू चेंजेस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर डार्क मोड कर सकते हैं, डार्क मोड जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मोर डार्क मोड ऑप्शन मिल जाता है। मोड ऑप्शन में यहाँ पर आप जो भी ऐप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने व्हाट्सएप किया है, तो व्हाट्सएप जो है हमारा वो यहाँ पर अब डार्क हो गया होगा बाई डिफ़ॉल्ट। और अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को डिसेबल कर दूँ, तो अब हमारा देख सकते हैं व्हाट्सएप जो है वो यहाँ पर डार्क मोड से हट जाएगा आई गेस। तो यहाँ पर अभी ये हुआ नहीं, आई गेस इसे क्लोज करके फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप है वगैरह वो सब डार्क मोड से चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रिसेंट पैनल में दिखा दूँ आपको, मैं एक बार थोड़ा सा डार्क मोड को डिसेबल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा डार्क मोड डिसेबल हो गया। और यहाँ पर मैं रिसेंट पैनल दिखा दूँ, तो देख सकते हैं कुछ वर्टिकल आपको रिसेंट पैनल मिल जाता है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं गाइस, जस्ट आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन का ऑप्शन। होम स्क्रीन में देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिस्टम लॉन्चर है, कोई भी ओको लॉन्चर वगैरह मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, और यहाँ पर देख सकते हैं अरेंज आइटम इन रिसेंट। तो रिसेंट में आपको वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली,
वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, मैंने चेंज कर दिया। तो अब हमारा जो है वो यहाँ पर वर्टिकली हो गया होगा, हॉरिजॉन्टली जो था वो हमारा यहाँ पर हट गया। और अब मैं दिखा देता हूँ काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकली की गई हैं। पहले आपको ऑप्शन मिलता था लाइक वर्टिकली मिलता था, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टली था पहले, अब यहाँ पर वर्टिकली मिल जाता है। स्पेशल फीचर में यहाँ पर हम जाएंगे डायलर में, तो अभी यहाँ पर डायलर अपडेट नहीं हुआ पर डायलर अपडेट होगा तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके का बड़ा बड़ा टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस 12.5 में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए बट कुछ मेजर से अंदर के चेंजेस हैं, इंटरनल चेंजेस किए गए हैं, वॉलपेपर वगैरह को चेंज किया गया, यूआई में चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं मिलते। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस रोम में क्या आपको कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैमरा टू एपीआई जो है वो यहाँ पर इनेबल है गाइस, और यहाँ पर जी कैम वगैरह जो है वो आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ पर जी कैम भी इंस्टॉल किया हुआ हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी कैम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी कैम हमारा जो है वो परफेक्टली वर्क करता हुआ, कोई इश्यूज़ नहीं है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, अब जाके वो वीडियो जो है देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर अब मैं एक बार एंटूटू बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ आपको। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर में आपको दिखा देता हूँ कि क्या एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। 215,424 आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। सेफ्टी नेट में दिखा दूँ यहाँ पर सेफ्टी नेट पास्ट है या नहीं, क्या डेली ड्राइवर के लिए परफेक्ट है या नहीं, तो मैं ये भी चला के दिखा देता हूँ सेफ्टी नेट। तो देख सकते हैं सेफ्टी नेट भी गाइस यहाँ पर पास है, तो इट मीन्स कि आप आसानी से बैंकिंग एप्स वगैरह जो है यूज़ कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गेम खेल के दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, इस रोम की कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आप डेली ड्राइवर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर गेमिंग वगैरह में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बट हल्का फुल्का लैग्स एंड स्टटर आपको कभी कभी नोटिस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बीटा रोम में है ना कि स्टेबल रोम में। तो अगर आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर अभी के लिए यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो विच इज़ क्वाइट गुड, यू कैन यूज़ दैट। और यहाँ पर कोई बग्स वगैरह नहीं है, कोई मेजर बग्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर एड्स वगैरह नहीं है, जो कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई कैन यूज़ यू कैन यूज़ दिस एज अ डेली ड्राइवर। सो गाइस दैट्स वेरी मच फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, इफ यू डिडंट डिसलाइक दिस वीडियो आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।